उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ भव्य और विशाल सत्संग का आयोजन। यह आयोजन संत उमाकांत जी महाराज के सानिध्य में के नेतृत्व में हुआ। आपको बताते चले कि यह कार्यक्रम अर्जुनगंज के लल्लन सिंह बाग के प्रांगण में हुआ और यहाँ पर जिस तरीके से जनसमूह देखने को नजर आया, जिस तरह से जन सैलाब नजर आया, भक्तगणों का हुजूम नजर आया, वह यह साबित करता है कि सत्संग के प्रति और महाराज जय गुरुदेव जी के प्रति आज भी लोगों की आस्था बड़ी ही दिव्य और परम है। जिस प्रकार से कार्यक्रम में जनसमूह उपस्थित हुआ लखनऊ के आसपास के जनपदों से, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर आदि जनपदों से यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हुए। आप पता चलें कि अन्य राज्यों से भी लोग उपस्थित हुए हैं, राजस्थान हो गया, उज्जैन हो गया आदि राज्यों से भी यहाँ पर लोग उपस्थित हुए, उनसे हमारी बातचीत भी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से जनसमूह नजर आया वो वाकई में देखने योग्य था और जय गुरुदेव शब्द से पूरा प्रांगण उद्घोषित हो गया। एक जयकारों से पूरा प्रांगण एक बार फिर से सत्संग में जिस तरह से जनसैलाब नजर आया वो प्रेरणादायक था। एक बार आप पता चले कि कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले अर्जुनगंज में उपस्थित जो आश्रम है वहाँ पर उमाकांत जी महाराज उपस्थित थे। वहाँ से उनका काफिला चला और चलने के बाद वो पहुँचा लल्लन सिंह बाग पर। वहाँ पर जब उमाकांत जी महाराज पहुँचे, उससे पहले जय गुरुदेव स्वामी जी को याद करते हुए प्रार्थना हुई और प्रार्थना के बाद मंच पर पहुँचे संत उमाकांत जी महाराज। और जैसे ही मंच पर पहुँचे, सबसे पहले उन्होंने जय गुरुदेव जी महाराज की तस्वीर को पर अपने शीश झुकाकर उनको नमस्कार किया, उनको याद किया, उनको प्रणाम किया और साथ साथ पूरी उपस्थित जनसमूह का अभिवादन भी स्वीकार किया और उन्हें नमस्कार करते हुए सत्संग प्रारंभ किया। इस सत्संग में आत्मा को परमात्मा तक ले जाने में पूरी बातों को सत्संग में रखा गया और जिस प्रकार संत उमाकांत जी महाराज ने उपस्थित सत्संगी और भक्तगणों को बताया कि जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए और किस प्रकार आज सत्संग जारी है, ऐसे तमाम सत्संग अब तक पूरे देश में होते आए हैं। कैसे मानव उद्धार और उद्धान संभव है सत्संग से? अपना के अंदर की चीज देखने के लिए, देवी देवताओं को देखने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को देखने के लिए कान बनाया गया और ये शरीर को चलाती है जीवात्मा है। जब तक जीवात्मा है तब तक चलता है। जीवात्मा निकल जाए तो इसमें चाहे जितना दवा डाल दो, चाहे जितना इसका इलाज कराओ, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। तो जीवात्मा के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त करने में ये समाज का बंधन हमारे सामने आ जाता है। जैसे हम यहाँ किसी विवाद में फंस गए, झगड़े में फंस गए, मुकदमे में फंस गए, तो हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता है। इसलिए महात्मा ये सत्संग सुना करके आपको समाज में अच्छे ढंग से रहने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त है। उन्होंने ये इनको आदेश दिया था कि हमारे चले जाने के बाद हमारा शरीर जब नहीं रहेगा तो नए लोग जो आएंगे अपने घर जाने का रास्ता प्राप्त करने के लिए उनको ये रास्ता बताएंगे। हम बात करते हैं, कुछ और भी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर निगोहा के तरफ से, लगातार सामाजिक समर्पणता इन्होंने दिखा है और एक राजनीतिक जीवन भी है इनका, लेकिन अभी वर्तमान में उपस्थित हैं सत्संग के एक कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित हैं यहाँ पर। मैं उनसे ही बात करता हूँ कि आखिर कैसे इस कार्यक्रम में और आखिर किस एक होता है ना, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से जुड़ता है तो उसके पीछे का मूल कारण क्या होता है, उस कारण को जानने चाहेंगे हम ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले। आखिर द्विवेदी जी क्या कारण है जिसकी वजह से आपको आकर्षण रहा? मैंने देखा है करीब वर्षों से आप सत्संग में जुड़े रहे हैं और हमेशा नामदान के साथ में उसमें लीन रहते हैं, सदैव आपको कार्यक्रम में दिखा गया है। क्या मूल कारण रहा जिसमें आपको आकर्षित आपका आकर्षण हमेशा इस सत्संग की तरफ आया? तो 1994 से बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में पहुँचे और पहुँचने के बाद सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद ये लगा कि ये प्लेटफार्म जो है हम लोगों के मानव जीवन को जो सफल बनाने के लिए जो मनुष्य हम लोगों को जो मिला है उसका जो मूल कारण है, जो हम लोगों को करना चाहिए, उससे हम लोग भटक रहे हैं।
और आत्मा हमारे गुरु महाराज हम लोगों को बता रहे हैं। सत्संग सुनने के बाद हम लोगों के दिमाग में आया कि इससे अच्छा और सुलभ रास्ता इस आत्मा के कल्याण के लिए और कोई नहीं है। उसी समय से 1994 से ही मेरा पूरा परिवार पूरी तरह से बाबा जय गुरुदेव जी के सानिध्य में पहुंचा और आज लगातार हम लोग जो है हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं, सत्संग सुनते हैं और उससे काफ़ी हम लोगों को लाभ मिल रहा है। अच्छा, बात यहाँ पर यह आती है कि अभी चूँकि पाठक जी भी कह रहे थे स्थान से आए हैं, लेकिन हम इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर राजस्थान से लेकर लखनऊ तक का सफ़र आखिर तय किस विषय के कारण कर लिया? क्या आकर्षण था तो यहाँ तक खींच कर लेकर चला आया राजस्थान से लेकर? नहीं नहीं, हर आदमी का ये लक्ष्य होता है कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि भोजन करना, बच्चे पैदा करना और अपना जीवन निर्वहन करना ये तो जानवर भी करते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म का तो एक ही विशेष काम है कि इस जन्म को प्राप्त करके दोबारा 84 योनियों में ना आना पड़े, इसके लिए प्रयास किया जाए। और इसके लिए सीधा साधा है कि संत की शरण में गए बिना आवागमन से मुक्ति नहीं होती। सत्संगत संस्कृति कर अंता, संस्कृति कहते हैं आवागमन से छुटकारा, तो तभी मिलेगा जब संत महात्मा के सत्संग में जाएंगे। तो इसके लिए हम अभी राजस्थान से नहीं, हम ये यहाँ आपके उत्तर प्रदेश में नहीं आए, हम झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जहाँ जहाँ शरण में आएंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई आकर्षण है। और एक बात है कि जो साध्य हो, जो साधन को, साधना को खुद ही उसमें लीन होकर परम पिता परमेश्वर के एक रास्ते को जोड़ने का जिसको माध्यम पता हो गया हो, वही वास्तविक और प्रमाणिक संत होता है। तो निश्चित रूप से यह स्थान, यह जगह कहीं ना कहीं उस रास्ते को तय करने के लिए काफ़ी है, जिसके लिए हम सब लड़ाई थे। कैमरा अवधेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड न्यूज़।